आज उन्हें साक्षात देखेंगे. सो आई एम एक्साइटेड. जाम लगा हुआ है, ये पूरा जाम लगा हुआ है और बहुत सारी गाड़ियां ठुक चुकी हैं अभी तक. ठीक है, हमारी भी थोड़ी सी लगी है. रुक गया अभी, समझा? He's watching Korean drama और पूरे घर में ड्रामा हो रहा है. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल. ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग मैम. ऐसा स्कूल में नहीं बोलते थे, बट या ठीक है, दोबारा करते. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल. मेरा नाम है साक्षी, मेरे चैनल का नाम है हर इन बुलाइफ. अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो तो गो बैक वॉच माई अदर वीडियोज. आई होप दोज वीडियोज विल बी हेल्पफुल एंड गिव अ स्माइल ऑन योर फेस. और सुबह सुबह मेरे फेस का तो 12 बजे हुए हैं, बिकॉज मैं एक्चुअली उठ तो 8 बजे गई थी, बट उसके बाद मेरी मेड आ गई थी तो वो अपना झाड़ू पोछा लगा रही थी. और पोछा लगाते समय ना बहाना सोच लो या सच में मैं बिस्तर में बैठी रहती हूँ ताकि ना पैर वैर के निशान ना पड़े, तो निशान ना पड़े तो यस. तो मैं इसीलिए अभी तक बैग में हूँ, मैंने ब्रश भी नहीं करा है, बट हाँ मुझे ब्रश करना है. वो प्लान ये है कि सबसे पहले तो ब्रश करना है, कॉफ़ी बनानी है, कॉफ़ी पीनी है. तब तक कुक दीदी आ जाएंगी तो वो अपना खाना वाना बनाएंगी. और फिर उसके बाद सेकेंडली मुझे ना आज होम टूर शूट करना है. मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि घर का ना होम टूर एटलीस्ट लिविंग रूम और बालकनी का आज करूँगी. और 3 साल से ना मैं सोच रही हूँ कि होम टूर करूँगी. और उसके बाद सोचती हूँ कि यार अभी ना ये चेंजेस कर दूँगी ना तो कर लेती हूँ, ये चेंजेस कर लूँगी ना तो कर लेती हूँ. बट वो चेंजेस कभी मतलब हो जाते हैं, उसके बाद फिर नए चीज, क्योंकि घर ऐसी चीज़ है ना जो कभी ना ख़त्म नहीं हो सकता. आप हर रोज़ नया कुछ करने की, इवन मतलब हम तो है ना, तो कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते हैं. तो 3 साल हो गए आज तक मैंने आप लोगों के साथ होम टूर नहीं शेयर करा है. सो आई थॉट टुडे आई विल शेयर, ऑल्दो यू हैड सीन माय होम लाइक बिट्स एंड पीसेस, बट दिस टाइम आई थॉट आई विल शो यू प्रॉपरली. बिकॉज इफ समबडी इज थिंकिंग टू यू नो डू सम इंटीरियर और कुछ आइडियाज देना चाहते हैं तो आर हाउस इज रियली बेस्ट. बिकॉज हमने कोई इंटीरियर हायर नहीं करा था, सब कुछ खुद से करा है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंजेस में करा है और बहुत ज़्यादा जुगाड़ से करा है. तो इट विल बी रियली हेल्पफुल. अगर मैं वीडियो पहले ही डाल चुकी होंगी इंटीरियर मतलब होम टूर वाला, तो आई विल पुट समवेयर हेयर. अगर नहीं तो वेट करो, आ जाएगी. तो प्लान यही है. सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं गाइस, फटाफट ब्रश करते हैं, उसके बाद एक कॉफ़ी पीते हैं बढ़िया सी. पूरा ना बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट की क्या क्या करना है आज. यार सबसे इम्पॉर्टेंट है होम टूर शूट करना ही करना है. तो सबसे पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ फटाफट, तब तक कुक दीदी आ जाएंगी, खाना बना लेंगी, वो चले जाएंगी तो आराम से होम टूर शूट करूँगी. सो दिस इज़ द प्लान फॉर टूडे. बीच में देखेंगे कुछ होता रहेगा, क्योंकि ना हो ही जाता है, मतलब ऐसे सोचना ही नहीं होता है, बट कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है ना. इसीलिए मैंने सोचा कि आज शूट करते हैं वीडियो. और फिर ना आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, आज मदर्स डे भी है, तो विश यू अ वेरी वेरी बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स हु आर वॉचिंग. सैल्यूट, यू गाइज आर अमेजिंग. मैं सोच भी नहीं सकती हूँ आप लोग इतना सब कुछ करते हो, मतलब सच में मम्मी यहाँ बहुत कुछ करती है. सो एनीवेज लेट्स गो. कहा तो मेरा गो आ गया. कुबू आओ इधर आओ, कुबू की तो मम्मा ही हूँ मैं. इधर आओ मम्मा के पास. ये आई लव यू बेबी. ओके, मुझे बेड भी साफ करना है, बेड ठीक करना है, चादर चेंज करनी है, बिकॉज मैं सैटरडे को चादर चेंज करती हूँ, वो मेरा रिचुअल है, वो करना है. थोड़ा सा वैसे लिविंग रूम ठीक हो गया है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर का बिट्स एंड पीसेस में ठीक करना है. अभी ब्रश कर लेते हैं, मैं इधर क्यों आ गई हूँ, ब्रश करते हैं. लेट्स गो लेट्स गो. कुबर को खोल देती हूँ. तो हमने ना लाइक सारे गेस्ट को ना ऐसा हर किसी को डॉग्स पसंद नहीं होते, मतलब हम हमारा बच्चा है लेकिन सबको पसंद नहीं होते हैं, फिर उनको आने में प्रॉब्लम होती है. इसीलिए हम लोगों ने ना ये लगा रखा है, वैसे छोटे बच्चों के लिए होता है बट हमने कूपर भाई के लिए लगा रखा है, क्योंकि कूपर वही वॉशरूम यूज़ करता है उधर वाले रूम का, मास्टर बेडरूम का. तो हमने यहाँ पर लगा रखा है ताकि इसे वॉशरूम भी जाना हो तो इधर जा सके. सो इसको ना जैसे अभी हमारी कुक दीदी आती है उनको डर लगता है कूपर से, तो यहाँ पर बंद कर देते हैं. बट अभी मैं उसे खोल दे रही हूँ ताकि वो जरा घूम फिर ले. अम्मी मैं ब्रश करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ. ओके ओके गाइस, ब्रश कर लिया है और अब हम बनाएंगे कॉफ़ी. कुछ ज़्यादा ही ढीली, मैंने टी शर्ट को इतना पहन लिया है ना, इतना धुस दिया. ये जूडियो से सिर्फ 200 रुपये की आई थी, मुझे कलर बहुत पसंद था इसलिए मैंने लिया, बट ये मैंने बहुत ज़्यादा धुस दी है जूडियो की ना. ये वाली शर्ट जो रेंज थी ये बहुत अमेजिंग थी. एनी वेज अब हम बनाएंगे कॉफ़ी. मैंने कल नया कॉफ़ी ब्रांड मंगाया है, एक्चुअली मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है नया, बट मैं 15-20 दिन से स्लीपिंग ऑयल यूज़ कर रही थी. आज मैं अगेन बैक टू कंट्री बीन हो गई हूँ. उनका मैंने वेनिला फ्लेवर मंगाया है. सो लेट्स मेक सम कोल्ड कॉफ़ी. और मैंने ये ख़रीदा है अमेज़ॉन से, ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज इसमें स्टैंड है. मेरे ना ये
फ्रॉदर खराब हो जाते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, तो जब ये स्टैंड है तो ये अपनी जगह पे व्यवस्थित रहता है, यू नो, अपनी जगह पे. वाओ, क्या वर्ड, मुझे पापा की याद आ गई. सो ये अपनी जगह पे रहता है बिकॉज इसका स्टैंड है. सो हाँ, ये काफ़ी अच्छा है. यू गाइस कैन बाय, बिट एक्सपेंसिव देन यूजुअल फ्रॉदर्स, बट ठीक है, ये स्टैंड से काफ़ी सही है, लंबा चलने वाला है. तो क्विक वॉक. और आज मैं शुगर यूज़ कर रही हूँ स्टीविया की जगह, बिकॉज इट्स सैटरडे. मुझे स्टीविया का टेस्ट अभी भी उतना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों. मुझे थोड़ा हल्का लास्ट में ना एक कड़वा बनाता है, तो एटलीस्ट सैटरडे को तो अच्छी कॉफ़ी बनती है, लाइक जो मुझे पसंद है. और इस साथ में ASMR भी चल रहा है अपने अलग से. सो गाइज, मेरी कॉफ़ी रेडी. आई विल मेक माई टू डू लिस्ट एंड डू माई जनरल. तो मैं ये फाइंड योर बैलेंस अमेजोन से ली थी मैंने. जनरल काफ़ी अच्छी है, मतलब आप प्लान भी कर सकते हो, जनरल भी कर सकते हो, और ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है. बट द प्रॉब्लम इज सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, तो यू कैन ट्राई दिस. तो अभी मैं कॉफ़ी पीती हूँ, जनरल करती हूँ, और उसके बाद आपको मिलती हूँ. सो गाइज, इट्स आफ्टरनून 12 o'clock. मैं आप लोगों से सुबह मिली थी, बट बीच में इतना सारा काम हो जाता है ना. आज वीकेंड है तो घर में ही बात करना होता है, और मेरी मम्मी का बर्थडे भी था तो मैंने उन्हें भी विश करा. सो देर वॉज लॉट ऑफ थिंग टू डू. वो सब कंप्लीट कर लिया, किचन काफ़ी क्लीन कर लिया, घर बिल्कुल चकाचक हो चुका है. बट अभी मैंने नहाया नहीं है, एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर वन थिंग बिकॉज आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चन. एज यू गाइज नो, आई एम स्टार्टेड गोइंग जिम एवरी डे. तो हर किसी के इंस्टाग्राम में तो इतने सारे DM आते हैं कि बाल को कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि ऑफ कॉस इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना, और जिम की वजह से इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है हेयर का, तो बहुत टेंशन होने लगती है, और मुझे भी होती थी. बट उसके टेंशन को कम करने के लिए आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइज, अपने बालों को फिर से स्मूथ करने के लिए. बट यू कैन सी, मैं कल जिम गई थी और आज मेरे बालों की हालत ऐसी हो चुकी है, इतने फ्रिजी, इतने ज़्यादा ऑयली और सब कुछ हो चुका है. तो फिर क्या करा जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ मास्किंग और ये सब का तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, इवन मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है. तो मुझे ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला है. तो मुझे मिला है ममा अर्थ का कर्ड स्मूथनिंग रेंज, विच इज़ लाइक अमेजिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स यू गाइज नो राइट, कर्ड के फ़ायदे. ये शाइन देता है नेचुरली, स्मूथ बनाता है बालों को, प्लस इसमें कैरेटीन है. तो घर के उपचार प्लस सैलून वाले ना दोनों मिक्स कर दिए इन लोगों ने. कैरेटीन हेल्प स्मूदन हेयर एंड जेंटली क्लेंस, बिकॉज यू नो इतना ऑयल, इतना डर्ट हो जाता है ना जिम की वजह से, तो सबसे ज़्यादा मेरे सर पर ऑयल हो. तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है रेंज, जो अपने बालों में शाइन चाहते हैं, या उन जिनके बाल ना काफ़ी डल और डैमेज से हो गए हैं. चलो मैं आपको दिखाती हूँ आप बिफोर एंड आफ्टर. ये है मेरे बाल बिफोर, एंड नाउ आई एम गोना शो यू आफ्टर, कि धुलने के बाद ना मेरे बालों में कितना शाइन और यू नो कितने अच्छे दिखने लगते हैं, हेल्दी दिखने लगते हैं. सो गाइज, दिस इज डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स. तो आपका कोई भी हेयर टाइप है, दिस इज गोना हेल्प यू एंड गोना मेक अप टू 100% स्मूदर एंड शाइनर हेयर, विच इज अमेजिंग. मैं इसका शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही यूज करी, एंड यू नो व्हाट, बाल धोते टाइम भी 0 हेयर फॉल था, विच वॉज अमेजिंग. और ये है आफ्टर, है ना अमेजिंग, मेरे बाल लग रहे हैं स्मूथ, शाइनी एंड हेल्दी. यू कैन यूज माई कोड एंड गेट 20% ऑफ फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट, एंड ऑल्सो यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट एंड नाइका. और आप ममा अर्थ के स्टोर से भी ले सकते हो. बालों के साथ साथ आप अपनी अर्थ का भी ध्यान रख रहे हो, बिकॉज ममा अर्थ रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज. और जब भी आप उनका कोई प्रोडक्ट लेते हो, वो आपको ऐसी वेबसाइट के साथ ऐड करते हैं जिनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का. सो गाइस, ट्रांजिशन के बीच में बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई है. ऑफ कोर्स बाल धोए सुखाए तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. तो उसके बीच में ये प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है कि हम जाने वाले हैं ईशा फाउंडेशन का आदि योगी जो स्टैचू बैंगलोर में से पास में ही 2 घंटे पास में ही उन्होंने नया ओपन बनाया है, वहाँ पर जाने की. तो हम लोग अराउंड 3:30 निकलेंगे, सो आई हैव 2 आवर्स. मैं सोचूँ कि उसमें मैं होम टूर प्लस अपना नायका का रिकमेंडेशन वाला वीडियो शूट कर लूँ, बिकॉज आई हैव फ्यू थिंग्स विच आई थॉट टू शेयर विद यू गाइज फॉर नायका. अगर
आप लोग नायका का जो सेल आ रहा है उसमें कुछ खरीदना चाहते हो, सो आई थॉट कि मैं वो शूट कर देती हूँ। उसके अलावा आई एम थिंकिंग टू शूट दिस लिविंग रूम टूर जो मैंने आप लोगों को पहले से बताया, फिर हम सीधा फिर वहाँ ईशा फाउंडेशन चले जाएंगे आदि योगी का स्टैच्यू देखने और लाइट शो देखने, बिकॉज लाइट शो इज अमेजिंग। इज वॉचिंग कोरियन ड्रामा और पूरे घर में ड्रामा हो रहा है। मैं सोचूं कि फटाफट से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद हम नायका हॉल बना लेते हैं होम टूर करने का। मैं पूरा ट्राई करूंगी, आई एम नॉट श्योर कि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ, आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ, बट आई डोंट नो। और फिर हमें तैयार होकर ईशा फाउंडेशन जाना है, सो लॉट ऑफ थिंग वी हैव टू डू। तो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ा तो थोपड़ा सुधारना पड़ेगा। और मैं सोची हूँ एक छोटी सी रील बनाने का जिसमें मैं विदाउट मेकअप आपको कुछ लिपस्टिक्स दिखा सकूँ, और अगर आप लोग लेना चाहते हो तो यू कैन बाय। सो लेट्स डू इट। ओके गाइस, प्रिंस ने मंगा दिया है मशरूम थिन क्रस्ट पिज्जा, है ना, मस्त मशरूम थिन क्रस्ट पिज्जा आ गया। तो पहले लंच करेंगे, उसके बाद वीडियो शूट करेंगे। मैंने अपना सारा कूड़ा नहीं, कार है बाहर। ये किसने करा? मैंने नहीं करा, तुमने करा ये। पार्टी बदल लिया साला। तो गाइस अभी पहले खाते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और क्या मस्त थिन पिज्जा है, कहाँ से मंगाया? किसके उसे मंगाया बता तो दे। नहीं पता। कैसे खा रहे हो? 5 मिनट भी नहीं लगे, हमने पूरा खा लिया। और ये पिज्जा आया था लीन प्रेस पिज्जा का, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। हमें उससे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही यम्मी हो रहा है। 2 hours later ओके गाइस, हम निकल गए हैं आदि योगी ईशा फाउंडेशन की तरफ, और यहाँ से 2 घंटे लगेंगे। और बीच में मैंने सोचा था कि मैं नायका हॉल शूट कर लूँगी या एटलीस्ट मैं लिविंग रूम टूर शूट करूँगी, मैंने कुछ भी नहीं करा क्योंकि बहुत टाइम लग गया और चीज़ों में तैयार होने में भी, और कपड़े नहीं मिल रहे थे यार, जो मैं ढूंढ रही थी ना मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। और मैंने और वैभव ने ट्विन करा है, वाइट वाइट पहना है, क्योंकि हमने पहले से प्लान कर लिया था कि हम वाइट वाइट ट्विन करके जाएंगे। आजकल हम ना ट्राई करते हैं हम ट्विन करके जाए, ऐसी हमें थोड़ी सी आग हुई है। कौन सी वाली? तो हम पानी ले आए क्योंकि यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। और फिर हम गाड़ी आई है, सबसे लंबी जर्नी, पहली लंबी जर्नी है जब से हमारी गाड़ी है, क्योंकि अब हम पहले तो हम जाते हुए थे, अभी हम बहुत आलसी हो गए, हम कहीं नहीं जाते हैं दूर दूर, तो आज ही हम पहली बार इतनी दूर जा रहे हैं कहीं पर। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। ये कूपर है प्रिंस के साथ, प्रिंस के होने से इतना फायदा हो गया कि हम कहीं भी चल जाते हैं ऐसे डे ट्रिप में, क्योंकि प्रिंस ध्यान रख लेता है कूपर का। तो हम जा रहे हैं आदि योगी ईशा फाउंडेशन, और हमारे ना जो अगर आप ये देखोगे इसमें भी इन्हीं की है मूर्ति, है ना, और हमारे घर के जो मंदिर के शिव जी हैं वो भी यही वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम आज उन्हें साक्षात देखेंगे। सो आई एम एक्साइटेड। और हमने पिज़्ज़ा खाया था, तो शायद अगर रास्ते में भूख लगी तो देखेंगे। मेरी दोस्त बता रही थी कि वहाँ पर हैं बीच में ढाबे, बट इतना भीड़ रहता है कि मोस्टली ढाबों में खाना ख़त्म हो जाता है। बट लेट्स सी। हाँ, और बीच में ना छोटा लद्दाख एक जगह है, तो अगर वो दिखी तो हम उतर के 1-2 फोटोज तो ले ही लेंगे। मैं बहुत टाइम से वहाँ जाना चाहती थी बट हम कभी जा नहीं पाए, अब रास्ते में पड़ा तो मैं रुकवा लूंगी, रोक लेना ठीक है। हाँ तो एक बार देख लेंगे वो, अभी तो थोड़ा बाहर निकलो पहले फिर होगा इसलिए। और मैंने हाथ में ये ऑक्सीडाइज कंगन पहने जो बार बार छन छन कर रहे थे। गाइज, हम छोटा लद्दाख पहुंच गए। तो बैंगलोर में छोटा लद्दाख था जो हमें हमेशा जाना चाहती थी, वो रास्ते में ही पड़ गया। हमें पहले लगा कि रास्ते से चला गया है बट वो रास्ते में ही पड़ गया, तो अभी हम वहां पर उतर रहे हैं। ये है। एक साइड में तेरे जगह है? हाँ है। तो नहीं तो और बड़ा ही सही भी लग रहा है, तो अच्छी फोटोज आएंगे। उतरू? हाँ हाँ, मेरा बहुत है।
ये मेन गेट है। अब स्टार्ट हो गया ईशा फाउंडेशन का एरिया आई गेस। तो गेट तो इतना बड़ा बना रखा है, काफी अच्छा। गाइस अब ना 3 किलोमीटर पहाड़ी टाइप का रास्ता है, वो देखो वो लोग चढ़ रहे हैं ना, देखोगे। और रोड भी अच्छे से बनी नहीं है, बहुत ही उखड़ खाबड़ सी है। गाइस सारी कार्स लगी, देखो इतनी भीड़ है इतनी, और वहाँ पूरा वो ट्रैफिक लगा हुआ है। किसी भी पार्किंग में लगा सकते हैं। हाँ वो है, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ है ना। कहीं से उठाओ ना, उठा ले। वहाँ नहीं जा रहे हम, यहीं पर ही पार्क कर रहे हैं गाइस, क्योंकि फिर वहाँ पता नहीं कितना टाइम लगे, इससे अच्छा पैदल पैदल चले। स्पेस है जगह। ओके गाइस हमने बाहर ही पार्क कर दी अपनी गाड़ी, और अब हम पैदल पैदल पद यात्रा करेंगे, क्योंकि ऊपर पता नहीं पार्किंग मिले ना मिले। भीड़ लगेगी, लाइन लगेगी, बहुत ज्यादा भीड़ होगी। पर मुझे लग रहा है यहाँ पे लाइन जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ओपन है आई थिंक। हाँ बट दूर से देखना है और ऐसा ही है। लाइटिंग के लिए जैसे खड़े होके देखो जो लाइट शो है। हाँ वो खड़े होकर ही देखना है, दूर से पास से कहीं से खाना पीना है, कुछ खाना पीना है और लाइट शो का वेट करना है। देखो यार ये प्रॉपर ब्रॉड। हाँ नीचे पार्क करना बेटर है ऊपर पार्क करने से। फर्स्ट पार्किंग कहीं भी लग दी है सब लोगों ने। भुट्टा भुट्टा सब चल रहा है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे मेला चल रहा है कहीं। भुट्टा खा सकते हैं, मुझे खाना है। भुट्टा भुट्टा सब कुछ है यहाँ पे मेले में, भुट्टे का आनंद उठाते हुए। पर ये लोग अभी वापस जा रहे हैं तो शो क्या देखेंगे, तो आए क्या देखेंगे? ये दूर से आए होंगे। तो देखा क्या उन्होंने? सिर्फ मूर्ति, उन्होंने मूर्ति ईश्वर के दर्शन। वो तो वहीं से ऊपर से हो जा रहे हैं, सारा भुट्टा खा गए। अब मेरी बारी। तो आप करो क्यों ऊपर से देख के चल दो, क्यों नीचे आ रहे हो? जय माता दी करके। जय माता दी, जय शंभू, जय भोले। निकी आपने मेरे ब्लॉग में जय श्री कृष्णा नहीं कहा, इट विल बी इनकम्प्लीट अगर निकी आई हो जय श्री कृष्णा ना बोले। जय श्री कृष्णा। हाँ अब आप सब लग रहा, अब लग रहा है निकी आई है ब्लॉग में। कहाँ से? अच्छा वॉशरूम जा रहे हो, गाड़ी वाजी हो गया। हम कार्डियो कर लिया, जिम नहीं गए, हमारा काम बन गया। क्या हुआ बेटा? मां नहीं जा रहे, पापा वॉशरूम जा रहे हैं। साथी थोड़ा घायल सा हो गया है। फोटोज पूरी, साथी ने पूरी फोटोज खिंचा लिए, लेकिन अब वो घायल सा हो गया है। हाँ नटराज वाला पोज में थोड़े घायल हो गई हैं। बैक डे दोबारा करना पड़ेगा, बैक डे में हालत खराब हो गई। अब भीड़ भाई साहब, भीड़। हम लोगों ने अपना बना लिया है अड्डा अड्डा, और अब यही बैठ के यहीं से लाइट शो देखने वाले हैं। भजन कीर्तन शुरू कर दो भोले के, ठीक है? जय भोले, जय भोले, जय भोले, बम बम भोले। हम यहीं से बैठ के यहीं से लाइट शो देखेंगे, अब हम मिलने वाले नहीं है यहाँ से। और हर जगह देखो सब लोग अपने अपने पोजेस। निक्की ने नटराज पोज में थोड़ा सा अपनी कोक कर दी। गूगल पे का कार्ड नहीं है। वार्तालाप कर रहे
देखिए क्या होगा आगे, वहाँ पे मिल क्या रहा है, एक बार देख के आओ। हाँ देख, चलो आओ देख के आते हैं। चलो नजर मारे, आ जाओ जबल भैया, जाएंगे पराठे कंपनी में जाएंगे। यहाँ सिर्फ मुझे लग रहा है डोसा है, सात्विक भोजन होगा। कौन सी मलाई, कौन सी कुल्फी है? अच्छा है। ग्रीन मलाई। तुमने सिखाया वो सीख रहा है, ग्रीन मलाई। पिस्ता कुल्फी। गाइस बहुत बुरा हाल हो गया, हमारी गाड़ी ठुकते ठुकते बची है, ठुकी है, लगी ठुकी है। वो वाली गाड़ी वैभव ने पार्क कर, उस जो उधर पे है वो वैभव ने चला के उसको आगे बढ़वाया है। लिटरली बहुत बुरी हालत हो गई है अभी इधर पे। वो देखो वो वहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है। मेरा मोबाइल कहाँ है? कहाँ है? पूरा जाम लगा हुआ है, ये पूरा जाम लगा हुआ है और बहुत सारी गाड़ियाँ ठुक चुकी हैं अभी तक। ठीक है, हमारी भी थोड़ी सी लगी है। रुक जा अभी, समझा बीच में घुसा जा रहा अलग। टायर जल चुके, इतनी गंदी टायर की स्मेल आ रही है ना लोगों के यहाँ पर, घसीट घसीटने में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है उसकी। तो तुमने ही पूरी गाड़ी निकाली ना ऊपर, ये हाँ ये वाली इधर पे जो गाड़ी है वो इस साइड वाली, वो वैभव बाहर गए उसकी गाड़ी बाहर निकाली, नहीं तो वो हमारी ठोक देता। मतलब ठोकी है, मुझे लग रहा है आगे से कुछ हुआ है, आगे से ठोक दी है। क्या हुआ है लिटरली, क्या हुआ? बहुत ही, ये देखो पूरा जाम है, ये लोग मुड़े कि यहाँ ये बंद हो गए तो ये लोग मुड़ गए, अब ये अटक गए। 2 घंटे हो चुके हैं और दिमाग खराब हो गया, लिटरली दिमाग खराब हो गया। इस ट्रैफिक में फंसने फूसने के बाद, गाड़ी ठुकते ठुकते बचने के बाद हम अब खाना खाने आए हैं, अब हम खाना खाएंगे आराम से। अरे आपको नहीं पता, मैं तो भगवान है भगवान है भगवान बोले लगे। पर अभी रास्ते में हाईवे पे क्या हुआ, एक टक्कर लगाने आया था तो जस्ट बच गई टच होते होते। मैं बोला जबल शांत रहो। अरे इन्होंने जब अपना खोला ना ये, इसको मैं बताता हूँ, मैंने कहा यहाँ लड़ाई होगी, प्लीज तू चुप रहे। यार अब मैं गई, ये बंदा गया फिट गया ये। थैंक्स अयान फॉर हेल्पिंग अस टू मेक व्लॉग बिहाइंड द कैमरा, हमारे कैमरा मैन अयान। कैसा लगा आदि होगी? मस्त। डू यू वांट टू कम बैक? यस। अभी डू यू वांट टू कम? एटलीस्ट फॉर 1 ईयर मेरा हो गया, मैं नहीं आऊँगी अब। ट्रैफिक ज़्यादा है भाई, लिखने क्या हो रहा था, वो गाड़ी लिखते में हमारी गाड़ी ठुक जाए। वही बोल रही हूँ, वो मैनेजमेंट नहीं था ट्रैफिक का। अब जब तक ये प्रॉपर नहीं बनेगा ना तब तक ऐसा ही रहेगा, वीकेंड में तो नहीं आयान। आयान वाटरमेलन आइस टी मंगाई है, इसमें चाय का टेस्ट कहाँ है? इसमें कैसे पता चलेगा टी है? चटनी अच्छी है, ग्रीन चटनी अच्छी है, ऊपर से चाट मसाला डाला है। अरे मस्त है, अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। अभी चाय करना पड़ेगा, मैं तो चकली। तुम पी सकती हो, ये ग्लास कभी नहीं नमाते है, रख दे तू दे। यम हो रही है ना, देखा सबने यम कह दिया। ठीक है, तू तेरा खाना खा ले। बच्चे को भी बबल गम नहीं पसंद है। अरे रे।